आज की तारीख में अमित शाह की जो पोजीशन मोदी सरकार में है, कभी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वही पोजीशन प्रमोद महाजन की हुआ करती थी। उन्हें भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य तो कहा जाता था, लेकिन इसके साथ ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लिए फंड जुटाने में महारत हासिल थी। हालांकि इस मामले में जब बाद में जांच हुई तो कई लूप होल भी नजर आए। आश्चर्य इस बात का है कि प्रमोद महाजन की मौत के ठीक एक महीने बाद उनके सेक्रेटरी रहे विवेक मोइत्रा की भी मौत हो गई। हमारे आज के वीडियो में आखिर तक बने रहना, हम लेकर आए हैं प्रमोद महाजन की पूरी मर्डर मिस्ट्री। अपने पिता की मौत के एक महीने बाद प्रमोद महाजन के बेटे राहुल महाजन भी अपोलो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। प्रमोद महाजन की पॉलिटिक्स अचीवमेंट्स की बात करें तो वो महाराष्ट्र के विधायक रहे और उसके बाद फिर सांसद चुने गए। अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कई इंपॉर्टेंट पोस्ट पर अपॉइंटेड रहे। वो INB मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्ट्री के मिनिस्टर रहे। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे। लेकिन उस दौर में प्रमोद महाजन का कद इतना बड़ा था कि वो आने वाले समय में PM पद के दावेदार भी बन सकते थे। वो एक अच्छे वक्ता थे, मगर उनकी पर्सनैलिटी को एक नेगेटिव चीज ये थी कि वो शॉर्ट टेम्पर थे, उन्हें गुस्सा जल्दी आता था। प्रमोद महाजन उस समय मुंबई के वर्ले स्थित अपने घर में मौजूद थे। उनके साथ उनकी पत्नी रेखा महाजन, बेटी पूनम महाजन और बेटा राहुल महाजन सभी लोग मौजूद थे। प्रवीण महाजन प्रमोद महाजन के छोटे भाई थे, जिनका आपस का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं था। 21 अप्रैल 2006 को दोनों भाइयों के बीच हॉट टॉक हुई। दोनों के बीच फोन पर एक लंबी बातचीत हुई और इस बातचीत के अंत में प्रवीण महाजन ने एक मैसेज किया कि वो बातचीत नहीं रण होगा, जीवन मरण होगा। इस घटना के बाद 22 अप्रैल की सुबह लगभग 7:30 बजे प्रवीण महाजन सीधे प्रमोद महाजन के घर पहुंचे। प्रमोद महाजन घर पर ही थे। दोनों भाइयों में 15 से 20 मिनट तक बातचीत होती रही, झगड़ा होता रहा और अचानक प्रवीण महाजन ने अपनी जेब से 0.3 बोर का लाइसेंसी ब्राउनिंग पिस्टल निकाला और 4 गोलियां फायर की, जिनमें से 1 गोली को छोड़कर बाकी 3 गोलियां सीधे सीधे प्रमोद महाजन को लगी। ये सभी गोलियां उनके काफी नजदीक से लगी, जिसमें गोलीकांड हुआ बताया जाता है उस समय सुबह के 8 बज रहे थे। प्रमोद महाजन के घर के बगल में उनके बहनोई गोपीनाथ मुंडे रहा करते थे। जब उन्हें इस घटना का आभास हुआ तो वो भी भागकर प्रमोद महाजन के घर पहुंचे। तब तक उनके घर में चीख पुकार मच चुकी थी। घरवाले उन्हें उठाकर 8:20 तक हिंदुजा हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने एग्जामिन किया। 1 गोली उनके लिवर में लगी थी, 1 चेस्ट के नीचे और 3री गोली उनके पेट में लगी थी। 3 गोलियां उनकी बॉडी के लेफ्ट साइड में लगी थी, जिनमें चेस्ट के नीचे जो गोली लगी, कहते हैं वो उसी नस पर लगी थी जिससे होकर ब्लड दिल तक पहुंचता है। इन तमाम चीजों को डॉक्टर ने क्योर कर लिया, लेकिन लीवर में लगी गोली की वजह से जो ब्लीडिंग हो रही थी वो परेशानी का कारण बन रही थी। डॉक्टर की कोशिश पूरी तरह से जारी थी। इस दौरान उन्हें करीब 25 बोतल खून चढ़ाया गया। प्रमोद महाजन लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। दूसरी तरफ अपने भाई को गोली मारने के बाद प्रवीण महाजन सीधे वर्ली पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने पुलिस को बताया कि मैंने अपने भाई प्रमोद महाजन को गोली मार दी है। पुलिस ने अपने अधिकारियों से बातचीत की और मैटर को कंफर्म करने के बाद उनके खिलाफ हत्या का प्रयास का केस दर्ज किया और उन्हें अरेस्ट कर लिया। उस पिस्टल को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। प्रवीण महाजन ने शुरुआत में अपने भाई को मारने के कारण का ये बताया कि प्रमोद महाजन उन्हें इग्नोर करते थे और हमेशा उनकी बेइज्जती करते रहते थे, जो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपने भाई को गोली मार दी। इधर प्रमोद महाजन की हालत क्रिटिकल बनी हुई थी। लीवर में लगी हुई गोली सबसे बड़ी समस्या थी। उसको दूर करने के लिए लंदन से एक स्पेशल डॉक्टर को बुलाया गया, जो हिंदुजा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की हेल्प करने के लिए आए थे। इन तमाम चीजों में लगभग 13 दिन गुजर गए। इसके बाद 3 मई 2006 को प्रमोद महाजन जिंदगी की जंग हार गए और इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद पुलिस ने अटेम्प्ट टू मर्डर के केस को सीधे सीधे हत्या का मामला में कन्वर्ट कर दिया और प्रमोद महाजन के भाई प्रवीण महाजन पर ट्रायल शुरू हुआ। अदालत में अपनी गवाही के दौरान प्रमोद महाजन की पत्नी रेखा महाजन ने कहा कि कई दिनों से प्रवीण महाजन अपने भाई यानी प्रमोद महाजन से 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने इसकी हत्या की। लेकिन उनके इस बयान को अदालत ने कंसिडर नहीं किया, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं था। इधर प्रवीण महाजन अलग अलग बयान दे रहे थे, जिसकी वजह से मामला गंभीर होता जा रहा था। प्रमोद महाजन के कुछ रिश्तों को लेकर भी जब बात उठी तो प्रमोद महाजन के परिवार ने इस केस के ट्रायल के लिए अदालत से मांग की कि मीडिया कवरेज बंद करो, साथ ही इस पूरे मामले की सुनवाई एक बंद कोर्ट में की जाए।
क्योंकि कोर्ट की सुनवाई के दौरान कई ऐसे फैक्ट सामने आ रहे थे जिनसे फैमिली की इज्जत पर सवाल उठ सकते थे। 29 अप्रैल को कोर्ट ने मान लिया कि मामले की सुनवाई सीक्रेट हो गई, इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आना बंद हो गई। कहते हैं जब प्रमोद महाजन को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था उस दौरान उन्होंने अपने बहनोई गोपीनाथ मुंडे से कहा था कि आखिर मेरा क्या गुनाह था जो प्रवीण ने मुझे गोली मार दी। ये उनकी आखिरी लाइन थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो बातें शहर में आई उनमें प्रवीण के हवाले से ये बात भी कही गई कि वो बीते 15 दिन से प्रमोद महाजन से मिलने की कोशिश कर रहे थे मगर उन्हें टाइम नहीं दिया जा रहा था। इसके साथ ही उनके आसपास के सारे लोग अमीर हो रहे थे लेकिन प्रमोद महाजन उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इसके अलावा प्रवीण महाजन का ये भी कहना था कि प्रमोद महाजन के कुछ रिश्ते ऐसे थे जिन्हें लेकर उनका उनकी पत्नी से झगड़ा होता था और बात तलाक की हद तक पहुंच गई थी। हालांकि इस बात से रेखा महाजन ने इनकार किया। बाद में आगे चलकर प्रवीण महाजन ने अपना बयान भी बदल दिया। उसने कहा कि इन दोनों के बीच हाथापाई हुई और गलती से गोली चली लेकिन ये बात नहीं मानी जा सकती थी क्योंकि गलती से एक गोली चल सकती है, चार गोलियां नहीं। 18 दिसंबर साल 2007 में कोर्ट ने प्रवीण महाजन को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने उनके खिलाफ सारे सबूत देकर उन्हें सजा सुनाई। प्रवीण महाजन इस सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करते हैं और मामला चलता रहता है। वक्त बीतने के साथ साल 2010 में प्रवीण महाजन की पत्नी सारंगी महाजन की तबीयत खराब होती है जिसकी देखरेख के लिए वो अदालत से पैरोल मांगते हैं और मानवता के ग्राउंड पर उन्हें पैरोल मिल जाती है। वो अपने पत्नी के पास पहुंचते हैं, उनकी देखरेख करते हैं। इसके बाद 4 मार्च को पैरोल खत्म होती है और उन्हें दोबारा नासिक जेल में सरेंडर करना था लेकिन इसके ठीक एक दिन पहले यानी 3 मार्च को प्रवीण महाजन को ब्रेन हेमरेज होता है और उनकी इसी हालत में मौत हो जाती है। जेल में रहने के दौरान प्रवीण महाजन ने साल 2009 में एक किताब लिखी जिसका नाम था माजा एल्बम। मराठी भाषा में लिखी इस किताब में उन्होंने ये तमाम बातें रखी जो उनके मन में थी, किस तरीके से उन्हें हत्यारा बनाने का प्रयास किया गया। उन्होंने ये भी लिखा कि बचपन में उनके पिता की मौत हो गई थी। प्रमोद महाजन परिवार में सबसे बड़े थे और उन्होंने पिता की तरह पूरे परिवार का पालन पोषण किया। वो उन्हें भी बहुत अच्छी तरह से रखते थे लेकिन जब वो दिल्ली गए और पावरफुल होते चले गए तो चीजें बदलती गई। कुछ रिश्तों को लेकर बात सामने आई, झगड़ा भी उसी रिश्ते पर हो रहा था लेकिन इससे संबंधित कोई ज्यादा एविडेंस है नहीं, इसलिए एक किताब में सारी बातें लिखी गई है। इसके अलावा प्रवीण ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया जिसमें ये सारी बातें आई थी और उसमें ये भी कहा था कि प्रमोद महाजन के कई महिलाओं से रिलेशन थे। दिल्ली के एक महिला रिपोर्टर शिवानी भटनागर थी जो पॉलिटिकल बीट कवर किया करती थी जिसकी मौत का इल्जाम एक IPS रविकांत शर्मा पर था लेकिन इस मामले में प्रमोद महाजन का नाम उछाला गया। ये कहा गया कि शिवानी भटनागर के साथ उनके रिलेशन थे लेकिन इस बात के कोई पुख्ता सबूत कभी नहीं मिले। प्रमोद महाजन की मौत के एक महीने बाद मीडिया में उस समय हड़कंप मच गया जब यह खबर आई। उनका बेटा राहुल महाजन अपने पिता के अंतिम अस्थि कलश को आसाम में विसर्जित करने जा रहा था। वो दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है और प्रमोद महाजन के सेक्रेटरी विवेक मोहित्रा की मौत हो चुकी है। इस मामले में ड्रग का एंगल भी सामने आया लेकिन डॉक्टर की फाइनल रिपोर्ट में कहा गया कि विवेक मोहित्रा की मौत किसी जहर की वजह से हुई है। राहुल महाजन ठीक हो गया, बाद में मीडिया के माध्यम से जानकारी सामने आई कि इस पूरे घटनाक्रम में ड्रग पैडलर का हाथ है जिसे कश्मीर से पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसे जेल भेजा। उसने एक्सेप्ट किया कि उस रात विवेक मोहित्रा और राहुल महाजन को उसने ड्रग सप्लाई किया था। संभावना ये भी थी कि दोनों ने शैंपेन और ड्रग का कॉकटेल यूज किया होगा। इस मामले में राहुल महाजन पर केस दर्ज हुआ लेकिन उसे बाद में बरी कर दिया गया। प्रमोद महाजन की मौत का गुनाहगार तो पकड़ा गया, उसे सजा भी हुई और उसके बाद वो भगवान के पास भी पहुंच गया लेकिन कत्ल का उद्देश्य क्या था वो आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट करके बताना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।